नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 10 वर्ष की बेटी के साथ कर रही मां साइकिल पर परिक्रमा। पांचीमल मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी एवं भारत की प्रमुख पावन सलिला मां नर्मदा की परिक्रमा प्राचीन काल से ही आज वर्तमान तक अनवरत जारी है। नर्मदा परिक्रमा में पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहनों से नर्मदा के भक्त नर्मदा माता की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान नगर पांचीमल से मुंबई निवासी अश्विनी देशपांडे अपनी 10 वर्ष की बेटी के साथ मां नर्मदा परिक्रमा पर निकली है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जगह जगह लोगों के द्वारा स्वागत करना और सेवा के लिए आगे आना हमें बहुत ही अनुग्रहित कर रहा है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान इस प्रकार से लोगों की सेवा भावना को देखते हुए माता की महिमा हमें जान पड़ती है और इससे माता में हमारी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। बेटी की ये अद्भुत नर्मदा परिक्रमा को देख एकाएक लोग अभिभूत हो उनकी सेवा में लग जाते हैं। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश बड़वानी पांचीमल से महेंद्र सोनवणी की रिपोर्ट। अच्छा, आप नर्मदा परिक्रमा पर निकले हो मम्मी के साथ, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है आपका? अभी तक तो बहुत एंजॉयबल जर्नी हुई है 5 दिन की। जी, कैसा लग रहा है आपको इतने मतलब साइकिल पे यात्रा करना? अच्छा लग रहा है। अच्छा, माता के दर्शन किए नर्मदा माता के? हाँ। क्या उम्र है आपकी? 10 साल। अच्छा, पहले तो नर्मदे है, नर्मदे हाथ बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे थे और बहुत सारे लोगों के अनुभव हमने सुने थे कि उन्हें बहुत अच्छे अनुभव आए नर्मदा परिक्रमा के दौरान और उनका जीवन बहुत बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया जीवन की तरफ देखने का। और भारतीय संस्कृति जो नदी किनारे देखने को मिलती है, जो प्रेम भाव और सेवा भाव जो हमें नदी किनारे देखने को मिलता है, और ये नर्मदा मैया की कृपा है कि जानने का मौका हमें मिला। और हम मुंबई के हैं और ये मेरी बेटी है, मेरा नाम अश्विनी देशपांडे है, ये सिया देशपांडे मेरी बेटी है, ये 5वीं कक्षा में पढ़ती है और 10 साल की है। तो मेरी बेटी ही प्रेरणा है मेरे लिए कि वो साइकिल से जाने का हमने तय किया। और 2 तारीख से हमने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई है, हम 2 ही लोग हैं इसमें, परिक्रमा में 2 मूर्ति हैं और आज हमारा 5वां दिन है। आज हम पांचीमल में श्री राधा कृष्ण धाम में रुके हैं। अच्छा, आपको हमारे 5 दिन की यात्रा बहुत अच्छी, आनंददायक और आनंद पूर्ण रही। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई मैया की कृपा से, ना भोजन की ना रहने की, और लोगों का इतना प्यार मिला कि मैया पे दिन ब दिन भरोसा बढ़ता जा रहा है हमारा। जी जी, धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।